मेरे पिछले अभी 30 तारीख को SP साहब भी आए थे मिलने के लिए, उन्होंने भी सारा दिया कि किसी ने जैसे मैंने स्कोन कर दिया, वो भी आए थे मिलने के लिए। दूसरी बात है, एक यूट्यूबर ने फेमस होने के चक्कर में किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मनोज के इसने फंड आया, इन्होंने गमन कर लिया, तो मैं वो टेंशन में हूँ। हालांकि उन्होंने टाइटल भी चेंज किया, उसकी फोटो नंबर अंबर सब मैंने मंगा लिया। 5 बजे तक मैंने बड़े भैया को, कई मेरे अफसर लोग हैं, 2-4 लोग हैं, मैंने उनसे मिलना है, वो आएंगे 1-2 जगह, तो उन्होंने बोला पहले इसका चैनल ब्लॉक कराओ। मैंने उसे साफ साफ बोला कि मैंने नंबर है, उसने ईमेल आईडी नहीं डाली है, ताले पर आ रहा, मैं बदरपुर का हूँ, मैंने जब निकाला तो वो नागलोई साइड का है। तो पहले मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, किसी के साथ गलत किया उसने, मेरे साथ गलत किया, मेरे लिए स्कैन किया कि मनोज मर गया, मनोज ने 70 लाख का जवाब खा लिया, मैंने सारे जवाब दे दिए। सर जी उनको सिखा के भेजा जाता, आपको किसी ने रास्ता बताया मनोज का? फिर उनको सिखा, जैसे अभी आए थे मैंने उनके हाथ जोड़े। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन अब ये गलत किया ना, उसको पता चल गया कि मनोज की ताकत क्या है, उसको मैंने रात में फोन करवा दिया था, क्या पता उसने दूसरे आदमी को, अपने फ्रेंड को बुलाओ कि मनोज को जाके परेशान कीजिए। मैं तो उसी वजह से परेशान हूँ, उसने किसी यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम लगाया है, मेरे ऊपर लगाया नहीं था, कोई बात नहीं, वो चाहता मैं घर बैठे फार्म में सो जाऊं, उसे तो मैं जेल करा दूंगा। अरे ऐसा मत करो, उसने आज तक वाले में लिखा सर जी, मुझे आपका इतना ही साथ चाहिए कि उसका चैनल के रिपोर्ट कीजिए 10 लोग। हाँ जी, जैसे कि वो बंदा आया था, मतलब वो बता रहा था कि फंडिंग आ गई बहुत सारी है। हाँ सर, बेईमान बंदा बता रहे, वो जो जैसे ब्लॉग ऐसे लोग हैं, फर्क पड़ता है कई लोगों को। अब तो मेरे पास सारे सबूत है, सारी चीजें, किसी की बात में क्यों जाएगा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ ना। वो क्या नाम कहते हैं, जो है ना मेरे को उकसा के गए हैं, और वही उन्हीं ने मेरे खिलाफ भड़काया कि 70 लाख का स्कैन कर दिया, क्या कर दिया उसने। पहले कोई अपना कोई रिलेटिव भेजा, आज कोई आ गया, कल कोई आ गया, उसको सिखा के भेजा जाता है। बदतमीजी इसलिए करा रहे कि किसी तरीके नाम खराब हो। अच्छा, समझ गए। हाँ जी, मतलब पजल लोग हैं आप उनकी बातों से। किसकी बातों से? इसीलिए तो मैं चाह रहा था वीडियो ना बने, और वही चाह रहा है। उसका नया चैनल है, क्या नाम है उसके चैनल का भैया? उसके चैनल का आप नाम छोड़िए, नाम मत, चैनल मत, चैनल का नाम, वो फेमस होना चाहता है। जब वो आपको एक्सपोज कर रहा है तो आप उसका चैनल का नाम लेके ग्रो क्यों करवा रहे हो? ठीक है सर, आप उसके चैनल का। लेकिन किसी यूट्यूबर ने, किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम लगाया है, हालांकि मैंने उन भैया को बता दिया। मैं, मेरी बात सुनिए, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ सारे जन, आगे सर। सर खाना खत्म हो गया, वो पनीर की ग्रेवी बची है बस, वो सर नहीं, नहीं सर हो नहीं पाएगा, इसीलिए सर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। जैसा कि वो आप सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा कि बहुत पैसा खा लिया, ऐसा लोगों ने कहा। अभी 70 लाख वाला आया था बेटा, खा लिया खाना, अभी 70 लाख बोला था कि मनोज के पास में आया है, तो SP साहब आए थे चंबल की तरफ के, तो मैंने उनको, आपको हर वीडियो में देख रहा हूँ कम से कम 15-20 दिन से, आप एक ही शर्ट में नजर आ रहे हैं मुझे। अरे सर जी, एक ही शर्ट नहीं है, 2-3 शर्ट है। सब समझ रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोग कुछ भी कहें, ये तो लोग हैं, ठीक है लोग नहीं होंगे सर जी। मैं पैसे का लालची होता, गोल्ड जी आए थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए अभी आप सुनिए सारे जने, क्या निकालेंगे आप? मैंने किसी की, हाँ हाँ मैं हुक्म का इक्का लेके चलता हूँ सर जी। उसको तो मतलब फंसा के मानोगे आप? किसको? उसको तो मैं जेल करा दूंगा, अखबार में छपाऊंगा। अच्छा? उसे तो मैं करा दूंगा दिवाली से, दिवाली के बाद करा दूंगा, नहीं ये काम ही बंद कर दूंगा। तो बंद नहीं, मैं किसी को अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा अगर नहीं करा सका उसे। अच्छा। मैंने इंसान कमाया हुआ अब तक। अरे आज सीन देखते हैं आप। कहने लगा मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। मैंने बोला ये तेरे बाप है, इनसे मिल लो जाके। मुझे हूल दे रहा था, ताकत दिखा रहा था। यूट्यूबर कौन है, नाम तो बता दो आप। अरे सर जी अभी बताता हूँ मैं, देखिए मेरी ईमानदारी। पंडित जी एक मिनट चुप हो जाइए। नहीं नहीं दिखा नहीं रहा, उसका नहीं दिखा रहा, एक मिनट क्या था। ये देखिए सर, मैंने ना किसी के डिलीवरी केस में मैंने पैसे भेजे हैं, डिलीवरी केस में। ये डिलीवरी केस में मैंने किसी की मदद करी है, उससे मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन कोई मुझे जानता था, जैसे मंडी जी जानते हैं, तो उन्होंने बोला। हाँ जी उन्होंने बोला, ये लो
बढ़ा लो, मेरे को बढ़ाना नहीं आता इसमें। ये देखिए 4000 रुपए मैंने भेजे हैं किसी के डिलीवरी केस में, किसी को भेजे हैं। एक मिनट सर जी, मदद करिए किसी की। वो मेरा मेरे यहाँ 20 साल पहले मास्टरी था। ये गलत आ गया, हटा दीजिए। ये लीजिए, क्या गलत आ गया सर? वरना आपने भेजे थे किसी को? हाँ मैंने भेजे थे, मेरे ऊपर 70 लाख का इल्जाम लगाया हुआ था। आपने 4000 भेजे, 70 लाख का इल्जाम कैसे लग गया? यही तो बात है ना, वो मैंने जवाब दे दिया। अब मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का खोल रहा हूँ, अब वो सुनिएगा। हाँ जी सर जी, मेरा नाम मनोज है। जो मेरे को छेड़ेगा ना, मीठा खाएगा, तो शुगर उसी को होगी, अच्छे से होगी। मतलब मनोज भाई सोता हुआ शेर है एक तरह से? नहीं नहीं बाबूजी, मैं सोता हुआ शेर नहीं। मतलब कोई छेड़ेगा नहीं मेरे को, आप लोगों की इज्जत ज्यादा प्यारी है। मनोज को 2018 में कोई नहीं जानता था, 2018 से आप लोग जानते थे। अच्छा ठीक है जी, घास छीलता था मनोज, मेरे जैसे कई लोग घास छीलते हैं। आप लोगों की वजह से उन लोगों का रोजगार चल रहा है। एक मिनट सुनाता हूँ यार। आप भी उनमें से हो, अपनों में से? हम तो पक्के अपने हैं। आप तो अपन गैरों की बात करते हो, हमने अपने आजमाए हैं। लोग काटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। हम क्यों सुखी हैं? पड़ोसी दुखी है, इसीलिए हम सुखी हैं। यार गुरु यही आपकी स्माइली तो ऐसे ऐसे लोग जीने भी तो नहीं देते। अच्छा, अपने लोग जीने भी तो नहीं देते। ये अपने सारे, ये अपने ही है। हम क्यों सुखी है? हम क्यों सुखी है? पड़ोसी दुखी है, इसीलिए हम सुखी है। पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, 4 दिन पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि मनोज मर गया, उसकी फंड कर दो। अरे सर जी, मनोज यार मेहनत करे कौन? इस बच्चे को बोल दूंगा पैदल चलने के लिए, नहीं चलेगा। खड्डे मेरे खोदे है ना, मैं ही भरूंगा ना। मैं वक्त और किस्मत का नाम कैसे दे दूं? गलत आदमी का साथ कभी ऊपर वाला नहीं देता। सभी सुखी हो जाए, सभी दुपत्ती करते ऐसे। भैया भैया जा रहे हो क्या ऐसे? भैया सभी दुपत्ती करते भगवान की मतलब के लिए। ना भैया जी, मेहरबानी। हाँ ना ना, बस इतनी बात ना बाबूजी। मैं आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैं आपको अपना समझ के बोल रहा हूँ। अपने अपने है ना मेरे बाबू जी। आप बुरा बाबूजी, बाबूजी मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनों की बात चल रही है। अरे यार कहाँ गया? अभी मैं अपने बच्चे को बोल दूं कि पैदल नहीं। बाबूजी ये हुकुम का इक्का है। अच्छा? कोई प्रॉपर्टी नाम कर रहा था, मैंने मना किया। रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, हेलो एक मिनट रुक जाओ यार। बाबूजी अभी निकालने दो, मैं सबको दिखा रहा हूँ। निकालने दो, बहुत पुरानी है यार। अरे निकलेगी क्यों नहीं यार, मेरा नाम मनोज है यार। वो तो सब जानते हैं, आज की डेट में पूरी दुनिया जान रही है। माय नेम इज मनोज, साइकिल वाला। गरीब आदमी मनोज, साइकिल मैन। गरीब गरीब कुछ नहीं होता। आप यार क्या करना है, आना है उधर रात में? एक मिनट हो जाओ यार। प्लेट प्लेट दे रहा हमको क्या? अरे बाबूजी क्या दे रहा, सुन लीजिए। अच्छा, ये हुकुम का इक्का सब निकलेगा इसमें, गेम चेंजिंग। कहां गया यार? हाँ मनोज भाई। हाँ जी सर बोलिए। कैसे हो? ठीक है सर, बोलिए। कुछ काम कर रहा हूँ, बताइए आगे बढ़ाया। बोलिए सर। एक मिनट सर जी, थोड़ा सा मैं थोड़ा निकाल लो फिर दिखाता हूँ। भाई असिस्टेंट लाए क्या आप? नहीं सर। नहीं भाई। अच्छा नहीं यार, मेरी चार ये बच्चे मेरे ही हैं। अच्छा आपके बच्चे के सब? अरे वहाँ पे कंटिन्यू भरा रहे हैं। थोड़ी सी दाल दे। अबे दाल सही बनी है, पनीर सही बना है? भाई जो भी भाई मनोज भाई की वीडियो बना है, दाल सही बनी है तो बीज तो पालेगा, लेकिन स्कैम नहीं करेगा। लगाओ जी सीधा लिख के स्कैम कर ले, ये कर दे। ये हमारी में सारे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वीडियो बना रहा है। कौन सा मसाला यूज करते हो भैया? भाई जी बना के ना थोड़ा सा साइड में हो जाए। आप खाना लगा दो, हमें खाना लगा दो, हम खाना लेने खड़े खा रहे हैं। सारे बंदे इतने ज्यादा भूखे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर किसी को जल्दी बची हुई कि जल्दी से खाना मिले और जल्दी से खाना खाए। कौन भाई कोई सबर नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा भाई।